हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है मात्र 12-15 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग काफी सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर के साथ में, जो भी घर में तैयारी कर रहा है, क्योंकि तैयारी करने वालों के लिए ही जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सुबह 8 बजे वाली जो क्लास होती है वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने वालों के लिए नहीं होती है, वो उन लोगों के लिए भी होती है जो कि सच में अपने नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं डे बाय डे। तो चलिए गाइज, आज है दोस्तों 23 तारीख, तो 23 तारीख के महत्वपूर्ण सवाल है एक पेपर में से कैसे कैसे बन सकते हैं देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको दोस्तों किया गया है ये आपको यहां पर बताना था। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन दिया था और बताया कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के, किसको, संजय यादव जी को बनाया गया है। देखिए, हाईकोर्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जजेस की जो उम्र होती है वो हाईकोर्ट में 62 ईयर होती है रिटायरमेंट की, समझ गए मेरी बात, ये आपको ध्यान रखना है। चीफ जस्टिस जजेस कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम जो है वो डिसाइड करता है। चलिए ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है घर बैठे 30+ कैटेगरी में, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th, SSC, बैंक, UPSC, कोई भी इंडिया में एग्जाम हो, तो आप अनअकैडमी प्लस पे जाके, अनअकैडमी आप डाउनलोड करके प्लस पे जाइए और वहां पर रेफरल कोड लगा दीजिए BHU10 या फिर बुनेस्टन, दोनों में से दोस्तों आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा। SSC, बैंकिंग, UPSC, PCS किसी भी क्लास के अंदर। साथ में आप जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप SSC की कैटेगरी में लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है। साथ में मेरी भी दोस्तों इकोनॉमिक्स की क्लासेस है जो कि आपको SSC में कल परसों से ही स्टार्ट हुई है, वो आपको मिल जाएगी। सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, मैं कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारी क्लासेस आपको मिलेगी। और आज सुबह 10 बजे स्टार्टिंग जीके का क्लास है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, 25वां टॉपिक है जो कि हम लोग कवर करेंगे। चलिए आज का पहला सवाल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा संकलित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो ये मैंने वैसे कल भी आपको बताया था कि ये जो है ना, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये कहां का है, फ्रांस का है, ओके। और 2020 के अंदर भी हमारी रैंकिंग जो है 142 थी और 2021 में भी सेम है 142 है, तो अच्छी बात है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सेम है। और अब यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश भी करी, हमारे जो संजीव गुबा जी है, राजीव गुबा जी है ना सेक्रेटरी जो है, उन्होंने इनसे बात भी करी, फ्रेंच गवर्नमेंट से, इनके एग्जीक्यूटिव से, कि रैंकिंग का थोड़ा देख लो यार, छोटा मोटा कुछ हो जाए तो, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। ठीक है गाइज, तो 180 कंट्री के अंदर हमारे 142 रैंक है जो कि आपको देखने को मिलती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में बताया गया है, ओके। तो आप देख सकते हैं जर्नलिज्म जो है वो मेन वैक्सीन होती है अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन आप देख सकते हो डिसइंफॉर्मेशन जर्नलिज्म वालों, जो मीडिया वाले हैं, वही बहुत ज्यादा कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो नॉर्वे दोस्तों पूरी दुनिया में 1 रैंक के ऊपर है, फिनलैंड उसके बाद 2nd पोजिशन और स्वीडन 3rd के ऊपर, लास्ट में जो है वो इरिटेरिया है, उसके बाद चाइना की 177, नॉर्थ कोरिया की 179 और तुर्कमेनिस्तान की 178 है। फॉर्मेशन 1985 में हुआ, डायरेक्टर जनरल क्रिस्टोफी है और हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है। शंख घोष जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण 90 वर्ष की आयु में हुई, एक प्रसिद्ध डैश थे। शंख घोष के बारे में बात करें तो ये दोस्तों बहुत ही फेमस कौन थे, पोएट थे, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नोटेड बंगाली पोएट दोस्तों शंख घोष जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे अभी और 90 साल की उम्र के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। संगीत नाटक अकेडमी के अंदर भी दोस्तों 1977 के अंदर जो है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि मिला था, 2nd साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1999 के अंदर, पद्म विभूषण मिला 2011 में, समझ गए। तो बंगाली और इंडियन लिटरेचर में काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका रहा है। वेस्ट बंगाल की बात करें, जगदीप जी गवर्नर है, CM ममता दीदी है और कोलकाता आपको मालूम है कैपिटल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने कोविरैप निक प्रौद्योगिकी लॉन्च है जो कि करी है, कोविरैप डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये IIT खड़गपुर के द्वारा दोस्तों बनाई गई है।
सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। तो आईआईटी खड़गपुर ने दोस्तों सक्सेसफुली कमर्शियलाइज किया है फ्लैगशिप हेल्थ केयर प्रोडक्ट जिसका नाम है कोविड ऐप। ये एक डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसमें जीरो ऑन इन्फेक्शन डिजीज, जिससे जीरो इन्फेक्शन है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, और कई सारे रिसर्चर हैं, सुमन चक्रवर्ती जी, अरिंदम जी, कई लोगों के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। और डायरेक्टली जो है आप इसे कोविड, ये जो डायग्नोस्टिक लैब है ना, इससे डायरेक्टली जो है टेस्ट कर सकते हो कोविड 19 हो गए, कोई भी वायरस को लेकर। ओके, 45 मिनट के अंदर ही आपको देखो इसका क्या मिल जाएगा, सैंपल से रिजल्ट है जो कि मिल जाएगा, काफ़ी बड़ी बात है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी कि एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन कैसे हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं दुनिया में, हमारी रैंकिंग है दोस्तों यहाँ पे मेरे ख्याल से 65 भारत की रैंकिंग होनी चाहिए, 87 रैंकिंग है। ओके, 87 दुनिया के 115 कंट्री में हमारी 87 भारत की रैंकिंग है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर, जो कि ट्रैक करता है दोस्तों किसी भी कंट्री का करंट परफॉर्मेंस उनकी एनर्जी सिस्टम के ऊपर कैसा है, उनका एनर्जी सिस्टम। आज भी हम लोग आपको मालूम है कोल बहुत यूज करते हैं, ट्रांजिशन हम लोग कर नहीं पा रहे, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कोलैबोरेशन और एसेंजर ने दोस्तों मिलकर है जो कि इसको किया है, समझ गए, जो दुनिया के वेस्टर्न और नॉर्डिक यूरोपियन कंट्रीज है वो सब इसमें ऊपर है, जिसमें स्वीडन नंबर वन के ऊपर है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो कॉल्स है जो कि फाउंडर है 1971 में किया गया, क्लॉन्जी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। भारत को डैश की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए चुना गया है, इकोसॉक के बारे में आपको बताना है। तो रिसेंटली दोस्तों भारत को जो चुना गया है वो कितने 3 सालों के लिए चुना गया है, 3 बॉडीज के अंदर। ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं 3 बॉडीज है, एक तो क्राइम प्रिवेंशन है, एक आपका जेंडर इक्वालिटी को लेकर है, और एक और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लेकर है। 3 बॉडीज में भारत को 3 साल के लिए चुना गया, कार्यकाल 2022 से भारत का स्टार्ट होगा। अक्लेमेशन का मतलब होता है ऑनर करने के लिए, बैकग्राउंड अच्छा होता है किसी देश का तो उसको दे देते हैं हम। 1945 में इकोसॉक का फॉर्मेशन हुआ, मुनीर अकरम है जो कि प्रेसिडेंट है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर ही है। ठीक है, जो अपना इंटरनेशनल कोर्ट है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आर्म्स ऑर्गन है यूएन के, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोसॉक पार्टनरशिप और ट्रस्टशिप काउंसिल हो गई, ये सबके जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर ही है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी, हमने तो मना कर दिया था हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कई सारे देश फ्री ट्रेड कर रहे हैं। अब आपको हमारे यहाँ तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है तो हम तो मारे जाएंगे अगर आरसीईपी कर लेंगे तो, क्योंकि हमारे लोकल लोग जो है वो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट से, तो इसलिए हमने आरसीईपी को अलाउ नहीं किया। अभी हम उस कंडीशन पर नहीं पहुँचे हैं, सारे देश लेकिन जो दुनिया के हैं वो सब चाहते हैं कि भारत करे क्योंकि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है। चाइनीज मोबाइल ने क्या हालत करी है इंडियन कंपनी की आपको मालूम है, और ये तो जब है जब उनको टैक्स भी देना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ती है। अगर सोचिए ये फ्री में आने लग गए इंडिया में तो कितने कम कॉस्ट में ये लोग ये काम करेंगे। ठीक है, तो हमारे इंडियन कंपनी जो है उसको पहले मजबूत बनाना जरूरी है। सिंगापुर पहला देश है दोस्तों जिसने इसको साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, पहला कंट्री है दोस्तों जो कि इसने साइन किया है। इसके अलावा 10 एशियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, देखिए चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ये सारे कंट्रीज है इसके अंदर, समझ गए। सिंगापुर की बात करें, ली वहां पे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, करेंसी डॉलर चलती है। जो भारत में प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 5,00,000 करोड़ रुपए का पार करने वाली पहली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी कौन सी बन गई है? 5,00,000 करोड़ रुपए एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट, तो कौन सी कंपनी है दोस्तों जो कि बन गई है? आंसर क्या हो जाएगा? SBI म्यूचुअल फंड, ये आपका सही आंसर है। SBI म्यूचुअल फंड जो है वो देश की पहली म्यूचुअल फंड है जिसने 5,00,000 करोड़ का दोस्तों जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया है। ठीक है, ग्रोथ 35% है जो कि 2020-21 में देखने को मिली है। ठीक है गाइस, SBI और यूरोप का बहुत बड़ा बैंक है, यूरोप का लार्जेस्ट असेट मैनेजर है अमुनिधि, इन्होंने मिलकर दोस्तों इसको स्टार्ट किया था। 5,00,000 करोड़ के एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट है जो कि देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है गाइस, चलिए, निम्नलिखित में से किसे चाड के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया? आपको मालूम है चाड जो अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, वहां के जो अभी लीडर थे उनकी मृत्यु हो गई थी वहां पे लड़ाई करते हुए उनके रिबेलियन से, तो उनका जो बेटा है महानत डेबी, उनको दोस्तों यहाँ पे हेड है
प्रेसिडेंट है जो कि अभी बना दिया गया है, समझ गए मेरी बात। चेयरमैन है वहां की ट्रांजिशन मिलिट्री काउंसिल ऑफ चैड के बना दिया गया है, ठीक है। अभी रिसेंटली दोस्तों एडिस डेबी की जो है वो मृत्यु हुई थी। डिजामाइना इसकी कैपिटल है और फ्रैंक है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है। अहमद हुसैन लाला जो 89 वर्ष की आयु में गुजर गए, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? अहमद हुसैन लाला, अहमद हुसैन की बात करें गाइस तो ये फुटबॉल के बड़े प्लेयर थे। सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, फुटबॉल ओलंपियन थे दोस्तों ये हुसैन लाला जी, जिनके बेंगलुरु में मृत्यु हो गई 1956 के मेलबर्न ओलंपिक के अंदर। दोस्तों इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट है जो कि किया था, ओके। हैदराबाद सिटी की पुलिस टीम से खेला करते थे, कई सारे इंटरनेशनल टीम के अंदर दोस्तों एशियन गेम हुए है ना, कई सारे टीम के अंदर भारत को जो है इन्होंने रिप्रेजेंट किया। भारत के कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में 2020-21 के दौरान कितने प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि जो हुई है वो 18.5% की हुई है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, 18.5%। तो इंडिया ने विटनेस किया है इम्प्रेसिव इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 18.5% इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइन प्रोडक्ट्स, ओके गाइज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शनी करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम डैश पर मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे की बात करें तो दोस्तों ये कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइज। वर्ल्ड का फर्स्ट अर्थ डे जो है 1970 में मनाया गया, ओके। और पीस एक्टिविस्ट थे जॉन मैकुरल, उन्होंने दोस्तों सेलिब्रेट किया वर्ल्ड अर्थ डे 1969 के अंदर। पेरिस एग्रीमेंट भी अर्थ डे के टाइम पे हुआ है। रियो समिट आपको मालूम है 1992 के अंदर हुआ, जिसको हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं, समझ गए। और इस बार थीम रखी गई है रीस्टोर आर अर्थ, ये थीम है जो कि रखी गई है। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप दोस्तों अनअकैडमी प्लस डाउनलोड कर सकते हैं, और रेफरल कोड पूछेगा तो BHU10 या BHU10 डाल दीजिएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा SSC बैंकिंग UPSC PCS किसी भी एग्जाम में। साथ में SSC के अंदर फाउंडेशन बैच चल रहा है मेरा भी, और मैंने अभी रिसेंटली इकोनॉमिक्स का कोर्स है जो कि लॉन्च किया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल एक साल का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 महीने का फ्री मिलेगा, ठीक है। आज सुबह 10 बजे ज्वाइन कर लेना स्टैटिक जीके की क्लास में अकेडमी स्पेशल सेशन पे। क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना शुरू करी है, ये आपको बताना है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, थैंक यू।